इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे टर्म हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आजकल जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी सभी के पास हो गया है, और ऐसे में आप कुछ जैसे बेसिक टर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस, ये सब तो जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए, वो है दोस्तों DNS। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब इंटरनेट आप चलाते हैं तो कभी कभी दो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। सबसे पहला कि इंटरनेट का जो स्पीड है वो हो सकता है कि स्लो हो जाए, तो आप सोचते हुए कि किस रीजन से स्लो हो गया। दूसरी बात कि कभी कभी कोई ऐसा वेबसाइट है जो नया नया वेबसाइट बना है, तो उसको एक्सेसिबल करने के लिए आप जो है रीच करना चाहते हैं, वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो वेबसाइट नहीं एक्सेस हो पा रहा है, जबकि यहीं पे बगल में आपका दोस्त जो है दूसरा इंटरनेट कनेक्शन रखे हुए है और वो उस वेबसाइट को धड़ल्ले से खोल रहा है, बिंदास खोल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए ये टर्म जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इस टर्म के बारे में डिटेल्स में समझ गए ना, मतलब DNS के बारे में समझ गए, तो हद तक जो है मतलब कुछ हद तक जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो। इवन कि इंटरनेट स्पीड भी ग्रो हो सकता है। ऐसे में इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मा। देखिए DNS डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये कैसा सिस्टम है? नाम से तो फुल फॉर्म अगर बताते हैं तो डोमेन नेम से रिलेटेड है, लेकिन ये कैसा सिस्टम है? सबसे पहले जान लीजिए, अगर DNS को एक लाइन में या एक वर्ड में डिफाइन करना पड़ेगा तो मैं कहूँगा ये है फोन बुक। अब फोन बुक क्या करता है? आपके मोबाइल में फोन बुक है ना, जहाँ पे आप मोबाइल नंबर को सेव करते हैं ना, बस यही काम इंटरनेट की दुनिया में भी होता है। अब पहले सबसे पहले हम दोनों को कंपेयर करेंगे, आप अपने फोन बुक का जो आपका मोबाइल में जो फोन बुक होता है उसको और इंटरनेट की दुनिया में DNS को अगर कंपेयर कर देंगे ना, तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फोन बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको समझना कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए अभी अगर आप अपने रिलेटिव को फोन करेंगे, कॉल करेंगे, तो भैया कैसे कॉल करेंगे, उनका नंबर शुरू शुरू में मालूम रहेगा, लेकिन जितने लोग को कॉल करते हैं उसके बाद सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोबारा कॉल करना पड़ेगा तो मोबाइल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिजिट में नंबर याद रखे ना तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ही मेंबर जो फैमिली मेंबर होंगे जिनसे डेली टू डेली बात करते होंगे उनका नंबर ही आपको याद होगा, अदरवाइज जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो क्या करेंगे, आपके नंबर को सेव कर लेंगे या आप उनके नंबर को सेव कर लेंगे, और जब भी कॉल करना होगा तो उस नाम से करेंगे ना कि उस नंबर से करेंगे। लेकिन फ़ोन में जो सिस्टम होगा, फ़ोन में वो सिस्टम होगा, मतलब आपके मोबाइल में स्मार्टफोन में वो सिस्टम होगा कि जैसे उस नाम पर क्लिक करिएगा वो तुरंत रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब क्लिक कीजिएगा नाम पर, लेकिन कॉल लगेगा किस पर, किस कारण से, किस रीजन से, वो नंबर पे लगेगा। वो नंबर मतलब 10 डिजिट का जो नंबर होता है उसी पे लगेगा, और आप देखते रहते हैं कि उस पे नाम रहता है, नीचे नंबर भी लिखा रहता है। ठीक, अब चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में। बस इंटरनेट पे भी यही होता है, जब आप अपने ब्राउजर में URL डालते हैं, जैसे मेरा है www.tkg.com, आप फेसबुक चलाते हैं www.facebook.com, गूगल, यूट्यूब, जो भी चीज़ चलाते हैं, दुनिया का कोई भी इंटरनेट चलाते हैं, तो क्या उसका IP एड्रेस याद रखते हैं? अब जैसे आप जब मोबाइल लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तो मोबाइल नंबर उसका क्या है, ID हो जाता है। मोबाइल नंबर उसका एक ID है। इसी तरह से IP एड्रेस इंटरनेट की दुनिया में एक ID है, आइडेंटिटी है, उसी से पहचान होता है ये कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर, की जितने भी दुनिया में इंटरनेट हैं, इंटरनेट से डिवाइस कनेक्ट होते हैं, सबका अपना अपना IP एड्रेस होता है। तो आपका डिवाइस और सर्वर से कनेक्ट होगा तो सर्वर का IP एड्रेस आपके डिवाइस का IP एड्रेस कनेक्ट करेगा तभी तो। तो सर्वर के IP एड्रेस के लिए आपके डिवाइस को मालूम होना चाहिए सर्वर का IP एड्रेस क्या है, लेकिन ये तो पता चलेगा नहीं। तब भैया कैसे पता चलेगा? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको IP एड्रेस मालूम हो गया तब तो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फोन बुक आता था, फोन नंबर जो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो नेम पे क्लिक करते थे, टच करते थे, कॉल करते थे, नंबर अपने आप खोज लेता था। तो यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया में जो है DNS आता है, DNS का काम रहता है वो पूरे दुनिया के जितने भी वेबसाइट हैं सबका IP एड्रेस भी स्टोर करता है, प्लस में उसका डोमेन नेम भी स्टोर करके रखता है। तो पब्लिक जो है अपने डिवाइस से, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से जैसे किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उनका डोमेन नेम जो है रिडायरेक्ट कर देता है IP एड्रेस पे। तो डोमेन नेम और IP एड्रेस पे जो रिडायरेक्ट करता है वो कौन करता है? वो DNS रिजॉल्वर करता है, मतलब कि यहीं पे DNS का काम आता है, मतलब डोमेन नेम सिस्टम का काम आता है।
अब समझ गए ना कि DNS क्या होता है। चलिए कुछ और स्टेप समझते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, DNS रिजॉल्वर क्या होता है। देखिए DNS समझ गए आप, और DNS रिजॉल्वर मतलब DNS को जो रिजॉल्व करे, वो DNS रिजॉल्वर मतलब जो सर्विसेस जल्दी जल्दी डोमेन नेम को जो है IP एड्रेस में कन्वर्ट करे, वो DNS रिजॉल्वर बढ़िया होगा। अब DNS रिजॉल्वर जो है आप जिसका इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ना उसके पास भी रहता है। और दूसरा है कि पब्लिक DNS रिजॉल्वर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ओपन DNS, गूगल DNS, डिफरेंट टाइप के DNS हैं, बहुत ज़्यादा हैं अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है कि सबसे फास्टेस्ट DNS कौन सा होता है, और जो सबसे फास्टेस्ट होगा मतलब उसका काम है जैसे आप URL डाले फटाक से रिडायरेक्ट कर दिया, फटाक से जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो आपको लगेगा कि इंटरनेट जो है ना थोड़ा स्पीड बढ़ गया है, बस यहीं पे खेला होता है। तो एक तरह से इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का, क्योंकि टाइम आपको कम लग रहा है तो इंटरनेट स्पीड बढ़ गया, सिंपल सी बात है। तो इसमें दोस्तों एक और नया प्लेयर जुड़ा है और वो है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट बेस्ड जो है बड़ी कंपनी है, जो कि जो लोग ब्लॉगिंग के फील्ड में होंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में होंगे, वो जानते होंगे कि कैश फाइल के लिए हो गया और इसके बाद CDN के लिए क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्लाउडफ्लेयर धीरे धीरे इंटरनेट बेस्ड जितने भी सर्विसेज सब में घुस रहा है, और उसने जो अपना DNS रिजॉल्वर लगाया, वो बिलीव मानिए दोस्तों, ये जितने भी अभी तक का पब्लिक DNS है ना, चाहे गूगल हो गया, ओपन DNS हो गया, ये सब जितने भी हैं सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, और इसका यूजर बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, जाते जाते अगर आप DNS को एडिट करते हैं, DNS जो है चेंज करते हैं, तो अगर क्लाउडफ्लेयर लगाते हैं तो इसका जो IP एड्रेस है वो 1.1.1.1 है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि इंटरनेट का बेसिक चीज है और सभी को जानकारी होना चाहिए, ऐसे में शेयर करना तो बनता ही है। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।